वेलकम स्टूडेंट्स। जियोग्राफी में आज जो हम रीजन डिस्कस करेंगे वो है ओरिएंटेड रीजन। सबसे पहले हम ओरिएंटेड रीजन का एक्सटेंट देखते हैं और जियोग्राफिकल रेंज या फिर इनका एरिया कौन कौन सा होता है। बेसिकली ओरिएंटेड रीजन के अंदर जो बरेआज़म एशिया है, बरेआज़म एशिया के ट्रॉपिकल एरियाज़, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो हैं बरेआज़म एशिया के, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, जैसे कि इंडिया है, फिलिपाइन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान के अलावा जो बाकी एरिया है वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका है, बर्मा, मलेशिया, इंडो चाइना, इंडोनेशिया एंड साउदर्न चाइना जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। उसके बाद अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो जो ओरिएंटल रीजन है ये पैलियोटिक रीजन से सेपरेट होता है बाय हिमालया माउंटेन्स, जो कि इन दोनों रीजन्स को आपस में अलग करती हैं। इसके अलावा एक साइड से तो ये पैलियोटिक रीजन से सेपरेट है और बिल्कुल ऑपोजिट साइड से जो है वो ये ज्वाइन किया हुआ है विद इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। और इसकी जो साउदर्न साइड होती है, साउदर्न साइड पे किसी किस्म की कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है, यानी कि साउदर्न साइड पे इनका कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ओरिएंटल रीजन में ग्रेट वैरायटी होती है फिजिकल फीचर्स की। जैसे कि अगर हम इंडिया के रीजन की बात कर लेते हैं तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो ग्रासी प्लेन्स हैं, जिनके अंदर उन ग्रासी प्लेन्स के अंदर जो है वो ट्रीज़ और बशिश वगैरह भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो अगर नॉर्थ वेस्ट साइड की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट साइड होती है उस साइड पर जो है वो डेजर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो साउदर्न साइड है, साउदर्न साइड पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, इनके ग्रीनरी जो है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारे जो है वो मरी और ये जो है वो शिमाली इलाका छात वगैरह हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो साउदर्न पार्ट के अंदर फॉरेस्ट्स भी प्रेजेंट है जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है अगर इंडिया में तो ये फीचर्स हैं। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो श्रीलंका, मलेशिया और इंडो चाइना के अंदर भी प्रेजेंट हैं। क्लाइमेट की बात करें तो इनका जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। साउदर्न पार्ट के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ये हायर देन 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट में ऑटम और विंटर के सीज़न में जो टेम्परेचर होता है वो फॉल कर जाता है, वो ऑलमोस्ट 10 to 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि समर के दौरान ये जो टेम्परेचर होता है ये राइज कर जाता है। जोलॉजिकल करेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 153 फैमिलीज हैं वर्टिब्रेट्स की जो कि ओरिएंटल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। आउट ऑफ दिस 153 फैमिलीज 10 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटल रीजन के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि इनको आप इनकी इंडेमिक फैमिली कह सकते हैं। वो 10 फैमिलीज कौन कौन सी हैं, उसमें जो अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की 4 फैमिलीज आती हैं, होलीबेटेडी है, टेरिसीडी है, टुप्लेडी और गैलियोपैथीडी फैमिली जो है, या इसको गैलियोपैथीसीडी भी जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो 4 फैमिलीज हैं मैमल्स की ये ओरिएंटल रीजन के अंदर इंडेमिक हैं, यानी कि सिर्फ ओरिएंटल रीजन के अंदर ही पाई जाती हैं। इसके अलावा बर्ड्स की बात करें तो एक फैमिली बर्ड्स की होती है यूरिलेमाइडी, जो कि ओरिएंटल रीजन की जो है वो इंडेमिक फैमिली है। और बाकी जो 5 फैमिली हैं वो रेप्टाइल्स की होती हैं, जिनके अंदर के एलिस्ट्रोडोनेटी होती है, यूरोपोलिटेडी है, लेंथोडोनेटी है, गैबलेडी है। इसके अलावा प्लेटीसेंट्रेडी फैमिली जो है रिप्टाइल्स की, वो जो है वो ओरिएंटल रीजन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। मेनली अगर जो है वो हम इसके जोलॉजिकल फैक्टर या इसके फाना की बात करें तो फाना में यही डिस्कस किया जाता है कि ओरिएंटल रीजन के अंदर जो 153 फैमिलीज हैं वर्टिब्रेट्स की और जो 10 फैमिलीज हैं वो इस रीजन की पीकुलर फैमिलीज हैं, और कौन कौन सी फैमिलीज हैं नेक्स्ट उनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन इन फैमिलीज के अलावा कुछ दूसरे जो है वो एनिमल्स और भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो कौन कौन से हैं रेदर देन दीज फैमिलीज उनको हम देखते हैं। मैमल्स की बात करें तो अदर मैमल्स में इनके अंदर जो है वो इंडियन एलिफेंट प्रेजेंट होता है, एंटलोप होता है, इसके अलावा बियर है, मंकीज प्रेजेंट होते हैं, डायनासोर्स हैं, मलायन टैपर्स होता है, पांडास होते हैं जो कि इस रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स के अंदर यहाँ पे जो है वो बुलबुल प्रेजेंट होती है, पिजन है, बी ईटर है, इसके अलावा ब्लू बर्ड्स हैं, किंग फिशर हैं और वेवर बर्ड्स जो हैं वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह पीकॉक्स भी जो है वो इस रीजन के अंदर देखे जा सकते हैं।
रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के लिहाज से ये वेल रिप्रेजेंटेड है, यानी कि रेप्टाइलियन फाइना जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है। उसके अंदर कौन कौन सा फाना होता है कि जो पॉइजनस स्नैक है लाइक पाइथन कोबरा वगैरह, पॉइजनस स्नैक्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा वराइटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स की जितनी वराइटीज़ हैं वो यहाँ पे वाइडली स्प्रेड हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे टर्टल्स की एक खास किस्म प्रेजेंट होती है जिसको बिग हेडेड टर्टल कहते हैं, जो कि ओरिएंटल रीजन के अंदर कन्फाइंड है, यानी कि इसके अंदर ये मखसूस है, इसके अंदर ये ज़्यादातर पाई जाती है। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में कॉमन फ्रॉग और कॉमन टॉड जो है वो ज़्यादा कॉमन है इस रीजन के अंदर। फिशेस की बात करते हैं तो ये फिशेस फाना के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच है। ऑल टाइप ऑफ एक्वेटिक फाना जो है, जितनी भी टाइप की फिशेस हैं या जितनी भी टाइप का जो है वो बाकी एक्वेटिक फाना है वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जी हम इनकी एफिनिटीज़ की बात करते हैं। एफिनिटीज़ में क्या है कि अगर हम इसको फाना के लिहाज से देखें तो फाना के लिहाज से ये जो है वो पैलियोटिक रीजन के साथ रिजेंबल करता है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है पैलियोटिक रीजन से कि इसके अंदर जो इंडेमिक फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जबकि पैलियोटिक रीजन के अंदर जो इंडेमिक फैमिलीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि हम कह तो रहे हैं कि इसके अंदर कुछ जो स्पीशीज़ हैं, कुछ जो एनिमल्स हैं वो वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर हम ओवरऑल एनिमल्स की ओवरऑल फाना की बात करें तो ओवरऑल फाना में इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी जो है वो नज़र नहीं आती। इनके जितने भी मैमल्स हैं उनका जो क्वार्टर पोर्शन है वो अफ्रीका के साथ जो है वो शेयर किया जाता है, ठीक है। मोस्टली जो ममेलियन फाना होता है इसका वो इथियोपिया रीजन के साथ भी शेयर्ड होता है। ये जी आपका ओरिएंटल रीजन है।